क्योंकि गंगा भी अमृत ही है। और निश्चित रूप से ये बड़ा संयोग से होता है कि हमें गंगा का भी अमृत तत्व मिले और आकाश में जो ग्रहों का अमृत तत्व है वो भी मिले। कुंभ महापर्व को लेकर हमने कई लोगों से बात की है और आइए हम आपको दिखाते हैं कि चिन्मयानंद पांडे जी ने इस अवसर पर क्या बोला है। अद्भुत समय में अद्भुत स्थान से ये संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो अवसर है वो कुंभ का अवसर है। भारतीय जो चिंतन रहा यहाँ से अनेकों देवी ईश्वरीय परंपराओं ने जन्म लिया है। संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की भूमि ये रही है और इस भूमि से जो अनेकों महत्वपूर्ण परंपराएं जन्मी उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कुंभ की परंपरा है। भारतीय संस्कृति का मेरुदंड हम उसको कह सकते हैं। जितने भी भारतीय धर्मशास्त्र हैं, श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, संहिताएँ हैं, आरण्यक हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, चाहे वो यजुर्वेद की माध्यमदिनी शाखा हो, अथर्वेद का पूर्ण हो, कुंभोदी कालम हो, वायु पुराण हो, नारदी पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त हो, अनेकों पुराणों की कथाओं को, गाथाओं को, आख्यानों को देखें तो उसके केंद्र में कुंभ का भाव आता है। जो कहानी है वो लगभग हर एक को स्मरण होगी, फिर भी शायद सुना देना महत्वपूर्ण होगा। जो कहानी है वो यही है कि जब देवताओं की शक्ति कुंद पड़ी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, तो फिर उस समय में समुद्र मंथन का प्रस्ताव भगवान विष्णु ने दिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र को मथा गया और जो पहला रत्न निकला वो विष निकला, हलाहल निकला, कालकूट निकला, जहर निकला और अंत में अमृत निकला। और अमृत के लिए जो युद्ध शुरू हुआ उसमें जिस जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी उन स्थानों को सौभाग्य मिला कि वहाँ पर कुंभ का एक पर्व आयोजित होता है। और चूँकि भगवान सूर्य, भगवान चंद्र, भगवान बृहस्पति, शनिदेव इन सब के परस्पर सहयोग के कारण वो अमृत का कलश फूटा नहीं, प्रस्रवण नहीं हुआ, इसलिए उनकी जो परस्पर की युति है, गति है, वो इस कुंभ के मेले के आयोजन का खगोलीय आधार बन जाती है। पर जो रूपक उसमें से निकल करके आता है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि कुंभ के पर्व को कोई ध्यान से देखे तो वो विश्व को अमृत में बदल देने का पर्व है। कुंभ जिस चिंतन को जन्म देता है वो यही देता है कि यदि इंसान का भाव, चिंतन, दृष्टिकोण, सोच बदलती है तो उस अमृत को लौटा पाना संभव है जिस अमृत की ओर बढ़ने की प्रेरणा कुंभ का पर्व देते हुए आया है। वो यदि जन्म देने वाला पर्व कुंभ बनता है, भटकों को सही राह पर लाने वाला, दुखियों के दुख को दूर करने वाला, तो कुंभ अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है। उस विश्व को अमृत में बदल देने का जो पर्व है वो कुंभ का पर्व है। इस शुभ पर्व पर हरिद्वार की इस कुंभ नगरी से, जहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है पर इस बार का सौभाग्य की 11वें वर्ष में कुंभ घटित हो रहा है, 83 वर्ष के अंतराल के बाद ये सौभाग्य आया है। और जब जब ऐसा हुआ है तब एक वर्ष पहले का चुनौतियों से भरा रहा है। यही शुभकामना कि हर व्यक्ति के जीवन का कष्ट, पीड़ा, दुख का अंत हो और ये कुंभ हरेक के जीवन में, भारत के जीवन में, भारतीय संस्कृति के जीवन में सूर्योदय को लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं। कुंभ पर्व वह निज में खींचे, कुंभ पर्व वह